17,400 रुपये आपको पे करना होगा। एक गुड मॉर्निंग गाइस, आज ये लखनऊ दूसरा एपिसोड है, यानी दूसरा ब्लॉग है। आज कल सर्दी हो गई थी थोड़ा बहुत, तो इस वजह से थोड़ा समस्या है, खैर कोई बात नहीं। तो आज फिर दूसरे दिन निकल रहे हैं लखनऊ, जैसा कि हमने आपको बताया था कल वाले वीडियो में कि वहाँ पर गए, लेकिन परमिशन ना मिलने की वजह से हम जो है वीडियो नहीं शूट कर सके। लेकिन आज वहाँ तो नहीं चलने का विचार है, आज चलेंगे हम जनेश्वर मिश्रा पार्क, अम्बेडकर पार्क। तो पीछे एक बस आ रही है, देखते हैं अगर मिल जाए तो निकल चलते हैं इसी से। लो ये भी नहीं रुक रहा है, देखते हैं यहाँ खड़े हैं, कोई ना कोई बस तो मिल ही जाएगी, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। इसीलिए आज बहुत सुबह निकल चुके थे, क्योंकि कल हम वहाँ पर 12 बजे पहुँचे थे, आधा टाइम वैसे भी बीत चुका था, इस वजह से जो चीज़ें वहाँ शुरू करना था वो हो नहीं पाया था। तो अभी जो है टाइम से निकले हैं, 11:30 तक पहुँच चलेंगे। चलिए 4:45 तो हम पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से हमें चलना है गोमती नगर। तो गाड़ी जो है इसके लिए टैक्सी उस साइड मिलेगी। अभी दोस्तों हम अम्बेडकर पार्क के जस्ट सामने खड़े हुए हैं, और इधर पार्किंग एरिया है हमारे पीछे, देख रहे हैं आप। वन सेकेंड क्रॉस कर लेते हैं, जस्ट सामने अम्बेडकर पार्क है, इधर भी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं। आप एक वन सेकेंड लुक देखिए, दोस्तों यहाँ पे हमें पता चला भैया जी हमारे साथ हैं, इन्होंने भी कैमरा अपना लाया था वीडियो यानी फोटो खींचने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन इन्होंने बताया कि अंदर अलाउ नहीं है और भी समस्या है, पता नहीं किस लिए अलाउ नहीं है। कल हमने जो ब्लॉग डाला था आप देखे होंगे, बड़े इमाम बड़े का, वहाँ भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो आज तो उधर नहीं चल रहे हैं, आज हम सोचे इधर अलाउ होगा तो पहले इधर कवर कर लेते हैं उसके बाद उधर चलते हैं, लेकिन रीज़न यहाँ भी वही हमको लगता होगा, देखते हैं। चलिए बात करते हैं उधर, अगर कुछ परमिशन मिल जाएगी तो शूट कर लिया जाएगा, नहीं तो मोबाइल सारी वीडियो मोबाइल से शूट करनी पड़ेगी। कैमरा तो जमा करना पड़ा, अब इसी से रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि अलाउ यही है। तो चलिए अंदर चलते हैं और अब आपको चीज़ें दिखाते हैं। ये रहा गेट, इसके अंदर चलने वाले हैं अब, ठीक है ना। ये रहा एंट्री गेट, पार्क जो बनाया गया है ये बीआर अंबेडकर के यादगार में के लिए ये पार्क बनाया गया था। इसको मायावती ने बनवाया था, इसके भी इसको से पॉलिटिकल जो है कंट्रोवर्सी भी हुई थी, न्यूज़ में काफ़ी है, आप चेकआउट कर सकते हैं क्या रहा है। यहाँ पर ये रहा है कि ये जो हाथी है ये एक चुनाव चिन्ह है, आपको पता है बसपा का, तो उन्होंने अपने उसी हाथी को यहाँ पर बनवा दिया, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये कोई आपकी धरोहर नहीं है जिसे आप यहाँ पर बनवा दे रहे हैं। इस वजह से ये कंट्रोवर्सी हुई थी, अब ज़्यादा डिटेल तो हमें जानकारी है नहीं क्योंकि हमने देखा नहीं है, हाँ सुना था
तो जितना था उसको हमने आपसे बता दिया, और कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने में लगता है। दोस्तों कि यहाँ पर आप जब कभी आएँ तो कैमरा साथ ना लेकर आएँ, कैमरा अलाउ नहीं है। कैमरा बहुत मुशक्कत करने के बाद हमारा जमा हुआ है कैमरा पीछे बाहर, और अभी इस वक्त हम मोबाइल से व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो मोबाइल से अब क्वालिटी क्या है कैसा है अब इसके बारे में हमें जानकारी तो नहीं है। अब घर पर चलेंगे, एडिट करेंगे तभी पता चलेगा कि कैसी चीज़ें हैं, कैसे देखने में लग रही हैं। और कुछ इस तरीके का इधर व्यूज़ हैं, आप देखिए और कमेंट में बताइएगा। और हाँ, कैमरा अलाउ है, लेकिन कैमरा अलाउ कब होगा? आपको उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे, और वो पैसे थोड़ा बहुत होता तो चलो 200-300-400-500 तक होता, तो एक बार सोचते चलो जमा कर देते हैं, कैमरा अंदर आ जाए। बट यहाँ पर जो कैमरा अगर आप लेकर अंदर आते हैं तो 17,400 रुपये आपको पे करना होगा एक कैमरे के लिए, तब आप यहाँ पर कैमरा ला सकते हैं। और अगर आप मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, मोबाइल से कोई भी चीज़ आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, शूट कर सकते हैं। तो अभी इस वक्त जैसा आप देख रहे हैं ये मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है और चीज़ें पता चलती रहती हैं क्या चीज़ें हो रही हैं। और पहले अलाउ था, अलाउ अब क्यों नहीं है? कोरोना काल के दौरान ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई थी, क्योंकि कहा गया कि कोरोना में अब कौन से लोग कहाँ से आ रहे हैं, कितने लोग इन्फेक्ट हुए हैं, या फिर वो सारी चीज़ें, इस वजह से कैमरा बंद कर दिए गए हैं। और कुछ इस तरीके का व्यूज़ यहाँ पे है। अभी इस मॉन्यूमेंट के अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या चीज़ें हैं, उसके बाद उस साइड जो उस साइड हाथी बना हुआ है उस साइड चलेंगे। अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या। पीछे लिफ्ट बनी हुई है, बट ये इस वक्त वर्क नहीं कर रही, तो बंद है। हमने सोचा चल रही है तो ऊपर सीधा चले चलते हैं, अब सीढ़ियों से चलना पड़ेगा हमें। फाइनली अंदर होके आ चुके हैं, अब ऊपर चलते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर कितने बहुत से लोग हैं, और चिड़ियाँ जो है इस साइड है, स्टेबलाइजर नहीं होगा क्योंकि कैमरा नहीं है। तो आप झेल लीजिएगा ये वाला वीडियो, उसके बाद कोशिश करते हैं। लेकिन क्या है ना, कहीं अगर वो बता रहे थे अगर आपको हम परमिशन दे भी दें कैमरे के लिए तो लोग इंसिस्ट करने लगते हैं, लोग कहने लगते हैं कि आपने उनको जो है परमिशन दे दिया, हमें नहीं दे पाए, जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। इस वजह से कैमरा अलाउ नहीं किए, नहीं तो अलाउ कर देते शायद। यही देख सकते हैं मॉन्यूमेंट की कद्र, लोग फिर देखना चाहते हैं लेकिन किस तरीके से गंदगी फैला रहे हैं यहाँ पे। वो आगे में ऊपर आने के बाद यहाँ से जो नज़ारा है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ से आप पूरा जो है अम्बेडकर पार्क देख सकते हैं। चलिए ऊपर से एक बार आपको दिखाते हैं यहाँ से किस तरीके का व्यू आता है। दोस्तों कैमरा अलाउ नहीं करते, अलाउ तो ना करना चाहिए गुटखा खाने वालों को, जो कि यहाँ खाते भी हैं थूकते भी हैं। जल्द दोस्तों यहाँ से हम वीडियो शूट करके निकलते हैं, क्योंकि जैनेश्वर मिश्र पार्क भी जाना है। एक दिन में 2-3 चीज़ें कवर कर ले ज़्यादा बेटर है। आपको सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी यहाँ पे दिखा दिए हैं, और यहाँ का जो टिकट था वो 15 रुपये का था, आप जब कभी भी आए तो ईजिली। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का ये रहा जो है भीमराव अम्बेडकर पार्क, जो कि लखनऊ में है। और इधर हमारे पीछे जो देख रहे हैं यहाँ पर टोटल 115 हाथियाँ बनाई गई थी। और इस यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी कमी जो हमें लगी वो है यहाँ छांवदार वृक्ष की। यहाँ पर छांवदार वृक्ष है बिल्कुल नहीं है, पूरा जो है प्लेन जो है पत्थर के बने हुए हैं, और इस वजह से यहाँ पर जो धूप होती है वो बहुत तेज़ लगती है, क्योंकि सर्दी का मौसम है। फिर भी जो है रिफ्लेक्ट जो हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है चेहरे पर।
ये पूरा जो है ये अम्बेडकर पार्क का जो पूरा नक्शा है यहाँ पर बनाया गया है। इस वक्त जो इधर जो है मायावती की फ़ोटो है और इधर किसकी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इधर फ़ोटो है, और ये बीच में पूरा नक्शा बना हुआ है कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखी हुई हैं, कहाँ पर बनी हुई हैं। अभी दोस्तों हमारे फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली है, तो इस वजह से आप वीडियो नहीं शूट कर पाएंगे, और जितनी भी चीज़ें थी हमने यहाँ पर दिखा दी, आपको कवर कर दी हैं। एक बात और शेयर करना था दोस्तों, अगर आप अकेले हैं, जैसे हम अकेले ट्रैवल करते हैं, अकेले आते जाते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम किसके पास रखें, क्योंकि अगर कोई लेकर चला गया या बाहर कहीं किसी के पास रख दिया जाए तो वो वहाँ से दुकान हटा ले, ये सारी समस्या हो जाती है। इस वजह से जब भी आप जो है कहीं पर भी जाएँ घूमने, तो वहाँ पर जो स्टाफ होते हैं, स्टाफ के कर्मचारी होते हैं, उनसे आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो वो लोग जो है आपके कैमरे को सेफ्टी के साथ रख देते हैं, और आप जाते वक्त ईजिली वहाँ से ले सकते हैं। अभी यहाँ पर हो गया दोस्तों पूरा ये जो है भीमराव अम्बेडकर पार्क हमने घूम लिया, और इसके बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क के लिए। चलिए मिलते हैं ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क में। आई होप दोस्तों कि आपको यह व्लॉग जो है पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए और इन्फॉर्मेशन व्लॉग देखने के लिए। मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही।